प्रिय जिज्ञासुओं, मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कैसा रहेगा? 22 तारीख से 28 नवंबर 2020 के मध्य आने वाला सप्ताह मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा हर्षोल्लास के साथ आ रहा है। पहला हर्षोल्लास यह है कि मीन राशि का स्वामी गुरु होता है और गुरु अपनी राशि आपकी राशि से 11वां लाभ स्थान पर आ चुका है, तो लाभ अनेक रत्नों का लाभ होगा, अच्छे भजन पूजन में लाभ होगा, अच्छे कार्यों के द्वारा लाभ होगा, आर्थिक लाभ, पद लाभ, धन लाभ, संपत्ति लाभ, प्रॉपर्टी लाभ, मकान का लाभ, भवन का लाभ, सुख का लाभ, वाहन का लाभ, यानी सब लाभ से जिसमें हर्ष उल्लास हो वो लाभ का समय आ चुका है। इस सप्ताह आपको बड़ा लाभ होगा। लाभ स्थान पर गुरुदेव आ चुके हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, तो लाभ स्थान पे जब आए हैं तो छोटे भाई बहनों को भी सुख शांति समृद्धि का वातावरण तैयार करके बन गए हैं और मेहनत आपकी बिल्कुल रंग आएगी। जो मेहनत की है उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा। संतान सुख के लिए सर्वोत्तम है। ये संतान बाधा दूर होगी, संतान से प्रेम बढ़ेगा, संतान का मनमुटाव दूर होगा और संतान के साथ साथ में जिनके संतान नहीं हो रही तो उनका योग बन सकता है और होने वाली संतान के लिए सुखद जैसा संतान होगी, प्रेम संबंध मधुर बनेंगे, इस प्रकार से संतान बाधा दूर होगी। सबसे अच्छा कार्य पत्नी से है, पत्नी का भरपूर सहयोग व सुख मिलेगा, दैनिक आय की गति अच्छी रहेगी, ये गुरुदेव बता रहे हैं। और शनिदेव भी आपके 11वें हैं, एकादशे सर्वलाभम, सब प्रकार से लाभदायक होंगे क्योंकि लाभ स्थान पर शनिदेव भी हैं। खर्च लाभदायक स्थान पर होने के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है, वायु जनित पीड़ा हो सकती है, बाकी जो है तो आपको लिए बहुत अच्छा फल देने वाले लोहा मशीन से संबंधित आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, इनका धंधा आप करेंगे उससे भी लाभ होगा। इस समय मीन राशि वालों के लिए कई दो तीन वर्षों के बाद अच्छा समय आया है, गोचर का ग्रह अच्छा आ रहा है। राहु देव आपकी राशि से तीसरे चल रहे हैं। राहु अचानक लाभ देने वाला ग्रह होता है, राहु केतु, ये अचानक जो सोच नहीं सकते वहाँ से लाभ मिल जाए। तो तृतीय स्थान पराक्रम का है, त्रिकष्टे का दशे राहु, त्रिकष्टे का दशे शनि, त्रिकष्टे का दशे केतु, सर्वारिष्ट निवारणम, 3, 6, 11 इन स्थानों में राहु केतु शनि सारे अरिष्टों को नाश करते, रोगों का नाश करेंगे, शत्रुओं का विनाश करेंगे और लक्ष्मी योग बनाते हैं, तो लक्ष्मी योग भी अच्छा बनने वाला है मीन राशि वालों के लिए। तो ये राहु देव भी अच्छा कार्य कराने वाले हैं। और मंगल देव क्या कर रहे हैं? मंगल देव आपकी राशि मीन राशि पर ही विराजमान है, इसलिए थोड़ा सा आपको तेजस्विता बढ़ जाएगी, पौरुष वचन बन जाएगा, क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, एक ऊर्जा शक्ति बढ़ जाएगी, हिम्मत आएगी, स्ट्रांग विल पावर बनेगा, आत्मविश्वास जगेगा, उससे आपके झुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य स्वभाव या विवाद करा सकते हैं, ये भी एक कारण बना हुआ है। सूर्यदेव जो है इस समय क्या कर रहे हैं? सूर्यदेव आपकी राशि से 9वें हैं, 9वें सूर्य होने से आपके भाग्य वृद्धि में सहायक बनेंगे, लेकिन सूर्यदेव गवर्नमेंट से संबंधित कार्यों में हमेशा साधक बनने वाले हैं और जो प्रतियोगिता की परीक्षा में बैठे हैं उनके लिए भाग्य वृद्धि कारक समय है। और बुधदेव भी उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं, तो व्यापार लाभ अच्छा होगा, नए नए व्यापार बढ़ेंगे, नए नए उद्योग डलेंगे, लाभान्वित होंगे, जो सोचा नहीं था ऐसा लाभ भी आपको मिल सकता है। केतु भी लाभ भाव में है, मतलब भाग्य में है। केतु जब भाग्य में बैठते हैं तो क्या करते हैं? केतु भाग्य वृद्धि करते, अचानक काम कराने वाले होते हैं, तो भाग्य वृद्धि अचानक करेंगे। इस बार केतु राहु सब सूर्य
और शुक्र देव आपकी मीन राशि से आठवें हैं, ये थोड़े कष्टप्रद है, क्योंकि आठवां स्थान थोड़ा पत्नी का स्थान यानी आठवां स्थान मृत्यु का स्थान होता है, रोगों का कष्टों का होता है, इसलिए पत्नी से विवाद पत्नी का स्वास्थ्य बिगाड़ देंगे, क्योंकि ये अष्टम भाव जो है पत्नी के स्वास्थ्य बिगाड़ने का भाव है। और पत्नी के कुटुंब में यानी आपके ससुराल में कोई जबरदस्त कठिनाई आ सकती है, यानी आपके ससुराल में कोई रोगी हो जाए, कोई कष्ट हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, ऐसा समय भी इस सप्ताह में आने वाला है। अब ये ग्रहों का मैंने आपको दर्शाया। अब चंद्रदेव क्या कर रहे हैं, चंद्रदेव 22 और 23 तारीख को आपकी राशि से बारहवें हैं, तो खर्च अपव्यय हानि अचानक हो सकती है, मन मलिन रहेगा, नुकसान का संभावना है। और 25 और 26 तारीख को 24 और 25 तारीख को यही चंद्रदेव आपके राशि पर आने वाले हैं, आद्य चंद्र श्री अवकर्ता लक्ष्मी देने वाले हैं, अचानक कहीं से संपत्ति मिल जाए या अचानक कोई जो है सो काम बन जाए आपका, विवाह शादी जिनकी नहीं उनका काम बन, वो भी तो लाभ है, इस प्रकार से अच्छा काम करें, इष्ट मित्रों का समागम होगा और मित्रों के साथ मन में प्रसन्नता जाहिर करेंगे इस प्रकार से। और 25 और 26 तारीख को संपत्ति उत्तम देने वाले हैं, उत्तम संपत्ति के स्थायी प्रॉपर्टी धन कुटुंब जनों से आपका मेल मुलाकात होगी, उनके द्वारा अच्छा समाचार मिलेगा। और 27 और 28 तारीख को तृतीय धन संपत्ति स्थायी प्रॉपर्टी बनेगी और वो प्रॉपर्टी आपके लिए जीवन पर्यंत अच्छी रहेगी। इस प्रकार से मीन राशि वालों के लिए मिला जुला फल देने वाला ये सप्ताह रहेगा। मंगल कामना करते हो का आपका सप्ताह मंगलमय बीते। हरिओम। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।